भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा कुलपति के नाम विक्रम विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति वाले परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि गुरुवार को NSUI द्वारा नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया गया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित BA BSc की वार्षिक पद्धति का परीक्षा परिणाम आज दिनांक तक घोषित नहीं किया गया है। मामले में पूर्व रजिस्ट्रार ने 5 दिन का समय दिया था, लेकिन आज तक कोई भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाया है, जिसके चलते उज्जैन संभाग के समस्त छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। बच्चे दूर दराज से विश्वविद्यालय आते हैं और उन्हें परिणाम 1-2 दिन में आ जाएगा यह कहकर लौटा दिया जाता है, लेकिन कोई परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। इसी के मांग को लेकर आज NSUI की कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति के समस्त काल घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन विश्वविद्यालय कुलपति बालकृष्ण शर्मा जी को सौंपा है। विश्वविद्यालय से 4 माह BA BSc का रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई। विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति हमें कह रहे हैं कि हमने BCom का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन वो रिजल्ट बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। सिर्फ खानापूर्ति की गई है, बच्चों को वहाँ 0 अंकित कर दिए गए हैं, किसी बच्चों को विथहेल्ड कर दिया गया है, किसी को पूरक दे दिया गया था जबकि बच्चा परीक्षा में बैठा हुआ था। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया है जिसका कोई आधार ही नहीं है। हमारे द्वारा कुलपति महोदय को सिर्फ इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया तत्काल से तत्काल रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बारकोड की समस्या में अभी ज्ञात हुआ बच्चों के द्वारा जो गोपनीय विभाग में गए थे उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपके बारकोड ट्रेस नहीं हो रहे हैं। किसी बच्चों के नाम पे 12-43 सपोज एक अंकित कर दिया गया बारकोड, अब जब उसे ट्रेस कर रहे हैं तो वो बारकोड ट्रेस नहीं हो रहा, उस बच्चों को नाम नहीं आ रहा, इस कारण बच्चों को रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा।